भाई साहब, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं यार कुछ नहीं, बस निकल रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। बताओ तो सही, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? क्या मदद करोगे यार, ऑर्डर डिलीवर करने आया था, वो उसने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया, कहता आप लेट आए, अब आप क्या मदद करोगे इसमें? तो आप टाइम पे क्यों नहीं आए, आपको टाइम पे आना चाहिए था। भाई ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है तो कैसे टाइम पे आऊँ, फ़ौरन निकला हूँ, एक मिनट भी ज़ाया नहीं किया, पहुँच गया हूँ, और कंपनी भी कह रही है कि भाई तुम्हारी गलती, तुम लेट पहुँचे। तो बात तो देखो ना, आपके पास तो बाइक है, आप तो जल्दी से पहुँच सकते हो। भाई बाइक है लेकिन UAE के अंदर रूल फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप बाइक जैसे मर्जी चला के जा सको, आपको बाइक भी गाड़ी की तरह चलानी पड़ती है। इस वजह से अगर मैं इधर रूल फॉलो नहीं करूँगा, कटे मार के जाऊँगा, ओवरटेक करूँगा, फाइन आता है, बड़ा मसला होता है। यहाँ पे बाइक गाड़ी की तरह चलानी पड़ती है, ये आपको पता नहीं है इस चीज़ का, तो ना तो कस्टमर समझता है ना ही कंपनी समझती है, हम किधर जाएँ। तो अभी आपकी नज़र में इसका क्या हल होना चाहिए? हल क्या है, बस रिक्वेस्ट ही है, हम चाहते हैं कि कंपनी समझे और क्लाइंट भी समझे, और गवर्नमेंट अगर इसमें ये कर सकती, जैसे बसों के लिए सेपरेट ट्रैक होता है, इस तरह बाइक के लिए भी ट्रैक होना चाहिए एक, उससे बड़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ऑर्डर टाइम पे पहुंचेगा, एक्सीडेंट कम होंगे, और ये जो डेली बेस पे कंपनी हमें, हम गरीबों को पीसती है, हम बच जाएंगे उस चीज़ से, बड़ी गाड़ियों को जो बाइक से प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। अब बसें कितनी होती हैं, चंद हज़ार, बाइक कितनी है, कई हज़ार, अगर इनके लिए एक ट्रैक बन जाए सेपरेट, ख़ास तौर पर स्पेशली पीक आवर्स के अंदर, तो देखो कितना फ़ायदा हो जाता है। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला।